नमस्कार दोस्तों, मैं योगाचार्य अर्जुन देव। आज मैं मोटापे के लिए बहुत ही ज़्यादा इफेक्टेड योगाभ्यास बताने जा रहा हूँ। जिन लोगों को एक्स्ट्रा फैट रहता है बॉडी में, चाहे वो फैट का एक्स्ट्रा फैट हो या फ्रंट का एक्स्ट्रा फैट हो, तो उनके लिए विशेष प्रकार के कुछ अभ्यास हैं, तो उनका मैं अभी आपको करके दिखाऊँगा। तो पहले हम खड़े वाले अभ्यास करेंगे। तो क्या करना है, हम इस प्रकार हल्के हल्के पंजों के बल वार्म अप करना है। इसको हम इंजन दौड़ बोलते हैं। ये हमारा पहला अभ्यास है। लगभग हम इसमें आधा मिनट, एक दो मिनट तक ऐसे दौड़ते रहें धीरे धीरे। फिर थोड़ा स्पीड बढ़ाएं और पंजों को हम इस प्रकार ऐसे पीछे टर्न करें। कोशिश करें हमारी हील हमारे नितंबों से लगे इस प्रकार। तो ये हमारा पहला अभ्यास हुआ। दूसरा अभ्यास हमें त्रिकोणासन करना है। त्रिकोणासन करने के लिए हम अपने दोनों पैरों में लगभग 2 से 2.5 फीट का गैप रखते हैं और अपनी राइट हैंड को उठा के श्वास को भरते हुए और साइड में झुकते हैं। जब हम स्टार्टिंग में करेंगे तो हमें धीरे धीरे हल्का सा करना है ट्विस्ट और श्वास को छोड़ते वापस। फिर से हम श्वास को भरेंगे और अपोजिट साइड टर्न करेंगे, सांस को छोड़ते वापस धीरे धीरे। पहले इसको 2-4 बार ऐसे हल्का हल्का करेंगे। फिर अभ्यास जब हमारा 2-4 दिन बाद होने लगेगा तो इसको हम पूरा कर सकते हैं 10-5 दिन में, 15 दिन में। जो लोग ज़्यादा मोटे हैं तो उनका कुछ समय के बाद ये पूरा इस प्रकार होने लगेगा। ये हमारा त्रिकोणासन हुआ। इससे क्या होता है, हमारे साइड का एक्स्ट्रा फैट बैलेंस होता है, जिनकी चर्बी यहाँ पे साइड में एक्स्ट्रा फैट हो जाता है, तो उनके लिए विशेष लाभ करता है त्रिकोणासन। इसको लगभग 1 मिनट करना है। जो भी मैं स्टेप बताने जा रहा हूँ, हर स्टेप को हमें लगभग आधा मिनट से लेके 1 मिनट करना है। तीसरा स्टेप हम करेंगे कोणासन। कोणासन में भी इतना हमारे पैरों में गैप रहेगा और इस प्रकार अपने राइट हैंड से लेफ्ट लेग के पंजे को टच करना है और अपने लेफ्ट हैंड को ऊपर देखना है। फिर इसी प्रकार वापस, फिर अपने लेफ्ट हैंड से राइट लेग के पंजे को टच करना है और राइट हैंड को ऊपर देखेंगे, फिर वापस। पहले हम 2-3 बार धीरे धीरे करें इस प्रकार, और जब अभ्यास हमारा होने लगे तो हम जल्दी जल्दी भी कर सकते हैं। तो ये भी हमारे बैली के फैट को कम करता है और हमारे शरीर में स्फूर्ति आती है। अगला स्टेप हमारा पादहस्तासन, चौथा अभ्यास। पादहस्तासन में हम इस प्रकार सीधे खड़े हो जाएं और श्वास को बढ़ते पीछे देखें, फिर श्वास को छोड़ते हुए आगे, फिर श्वास को बढ़ते पीछे, श्वास को छोड़ते हुए आगे। स्टार्टिंग में हो सकता है कि हमारे हाथ दोनों ज़मीन पर ना लगें, तो धीरे धीरे जब हम इस प्रकार करेंगे तो कुछ दिनों बाद हमारे हाथ ज़मीन पर लग जाएंगे और एक दिन आएगा कि आपका माथा घुटनों से भी लग जाएगा इस प्रकार। तो डेली हम जब पादहस्तासन का इस प्रकार अभ्यास करेंगे तो जो हमारे फ्रंट में एक्स्ट्रा फैट है वो हमारा बैलेंस हो जाएगा और हमारा माथा धीरे धीरे इस प्रकार घुटनों से लग जाएगा। जिस दिन हमारा माथा घुटनों से लग जाएगा, समझ लीजिए हमारी फिटनेस परफेक्ट हो जाएगी। फिर नेक्स्ट जो पांचवा स्टेप है, जिसको हम पीटी बोलते हैं, बच्चे स्कूलों में करते हैं और पहले हम लोग भी सभी करते थे स्कूलों में, तो अगला जो पीटी हम करेंगे इस प्रकार खड़े हो जाएं और जब हम हाथों को ऊपर ले जाएंगे तो पैरों में एक साथ गैप करना है इस प्रकार, फिर वापस। स्टार्टिंग में धीरे धीरे करें, फिर इसको अभ्यास के बाद हम फास्ट कर सकते हैं। इसको 1 मिनट में हम 50-100 बार कर सकते हैं, लेकिन जब हम स्टार्टिंग में इसका अभ्यास करते हैं तो 10-20 बार करें। फिर धीरे धीरे इसको बढ़ाते हुए 50-100 बार तक डेली करना है। इससे हमारे संपूर्ण शरीर का व्यायाम हो जाता है 1 से 2 मिनट में। लास्ट इसका जो स्टैंडिंग पोजीशन में छठवां अभ्यास है, तो इसमें हम ट्रंक ट्विस्टिंग करेंगे। क्या करना है, पंजों को पास में रखना है और जब हम पैर इधर ले जाएंगे तो गर्दन अपोजिट साइड में रहेगी इस प्रकार, फिर वापस ये। और हाथों को भी हम इस प्रकार मूव कर सकते हैं। एक बार और बताते हैं, हम हाथों को लेफ्ट साइड रखें, पंजों को सीधा। जब हमारे हाथ राइट साइड में जाएंगे तो पैरों को इधर ले जाना है इस प्रकार, फिर अपोजिट साइड। तो इसको अगेन एंड अगेन हमें रिपीट करना है। तो इसको भी हम 10-20-30 बार करें, ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो ये हमारे स्टैंडिंग पोजीशन के 6 अभ्यास हुए। फिर सातवां अभ्यास पेट के बल लेट के करना है। इस प्रकार हम लेटेंगे और श्वास को बढ़ते ऊपर, श्वास को छोड़ते हुए
इस प्रकार पर्वतासन की पोजीशन श्वास को भरते हुए भुजंगासन की स्थिति में श्वास को छोड़ते हुए पर्वतासन, इसको जल्दी जल्दी करना है इस प्रकार। फिर आठवां अभ्यास हम करेंगे अश्व संचालन। अश्व संचालन में हम क्या करते हैं, अपने राइट लेग को दोनों हाथों के बीच में रखते हैं, ऊपर देखते हैं, फिर वापस, फिर अपने लेफ्ट लेग को आगे लाएंगे, ऊपर देखेंगे, फिर वापस। जब ऊपर देखना है तो श्वास को बढ़ते हुए जाएं पीछे, श्वास को छोड़ते हुए वापस। ये हमारे आठ अभ्यास हुए। नौवा अभ्यास हम करेंगे भुजंगासन। भुजंगासन में हम इस प्रकार लेट के और जल्दी जल्दी इसको करना है, सांस को भरते पीछे, सांस को छोड़ते आगे। ये हुआ हमारा भुजंगासन। फिर अगला अभ्यास इसमें दसवां हमें करना है धनुरासन, जिससे फ्लेक्सिबिलिटी आती है और कमर के दर्द में भी लाभ करता है और मोटापा भी कम होता है। तो इस प्रकार हम अपने राइट हैंड से राइट लेग के पंजे को पकड़ें और लेफ्ट हैंड से लेफ्ट लेग के पंजे को, और श्वास को बढ़ते ऊपर खींचना है पूरे शरीर को, फिर वापस। इसको बार बार ऐसे 5-10 बार रिपीट करना है और हल्का हल्का इसमें मूव भी कर सकते हैं। तो ये हुआ हमारा धनुरासन। 10 अभ्यास हो चुके हैं हमारे। अगला अभ्यास हम पीठ के बल लेट के करेंगे। पहले हम अपने दोनों पैरों को इस प्रकार फोल्ड कर लें और दोनों हाथों की उंगलियों को इंटरलॉक करके घुटने से नीचे पकड़ना है और इस प्रकार हमें मूव करना है। तो ये मोटापे के लिए पवन मुक्त आसन लाभ करता है और विशेष इसका लाभ गैस के रोगों में होता है। जिन लोगों को गैस बनती है तो वो धीरे धीरे दूर हो जाती है और इससे और भी लाभ हैं, शरीर में स्फूर्ति आती है, हमारा मेरुदंड मजबूत बनता है। इसको भी हम लगभग 10-20 बार कर सकते हैं और ज़्यादा भी अपनी सामर्थ्य के अनुसार कर सकते हैं। अभी 11 अभ्यास हमारे हो चुके हैं। अब 12वां अभ्यास हम एक एक पैर को ऊपर उठाएंगे, नीचे ले जाएंगे, श्वास को बढ़ते हुए ऊपर, श्वास को छोड़ते हुए नीचे। ये जो अर्ध हलासन है तो ये भी हमारी नाभि को बैलेंस करता है, पेट के रोगों में लाभ करता है, मोटापा भी कम करता है। तो पहले हम एक एक पैर से करें 5-5 बार, 10-10 बार, और फिर धीरे धीरे दोनों पैरों से एक साथ करना है, श्वास को बढ़ते ऊपर, श्वास को छोड़ते हुए नीचे। तो ये जो हमारा उत्तान पादासन है इसको भी डेली 1-2 मिनट करना है। प्रत्येक स्टेप को हम 1-2 मिनट करें। ये हुआ हमारा उत्तान पादासन। अगला अभ्यास हम करेंगे नौकासन, बोटिंग पोस्चर। इसमें इस प्रकार हमें करना है, सांस को छोड़ते हुए हमें वापस जाना है। ये 13 अभ्यास हो चुके हैं हमारे। अब अगला अभ्यास पादवृत्तासन। इस प्रकार एक एक पैर को हमें रोटेट करना है। ये 15 इसमें आसन है जो कि संपूर्ण शरीर के आरोग्य के लिए, मोटापे के लिए विशेष लाभ करते हैं। तो ये हमारा 14वां अभ्यास है। पहले हम राइट लेग को गोल गोल घुमाते हैं क्लॉकवाइज, फिर एंटी क्लॉकवाइज। पहले सीधा घुमाएं अपने राइट लेग को, फिर उल्टा घुमाना है। इससे हमारे थाइस का फैट कम होता है और पेट का फैट भी कम होता है। फिर अपने लेफ्ट लेग से करना है, इसको भी हम 5-10 बार सीधा घुमाएं, फिर उसके पश्चात उल्टा घुमाना है। अभी मैं जल्दी जल्दी करके दिखा रहा हूं और इसको आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार ही करें, धीरे धीरे करें पहले, और कुछ दिनों के अभ्यास के बाद आप इसको जल्दी जल्दी भी कर सकते हैं।
पाद वृत्तासन का एक सेकंड पोस्चर भी होता है, आप उस प्रकार दोनों पैरों को रोटेट कर सकते हैं एक साथ। लेकिन सावधानी ध्यान रखें, जिनको कमर में दर्द है वो दोनों पैरों को एक साथ ना घुमाएं, वो एक एक पैर से धीरे धीरे कर सकते हैं। फिर दोनों पैरों से हम एंटी क्लॉकवाइज, पहले क्लॉकवाइज फिर एंटी क्लॉकवाइज, ये हुआ हमारा पाद वृत्तासन। लास्ट 15वां अभ्यास द्विपाद चक्रासन। इस प्रकार साइकिलिंग करेंगे, पहले क्लॉकवाइज, ये भी हमारे थाइस को फैट को कम करता है और पेट के लिए भी लाभ करता है। फिर एंटी क्लॉकवाइज, रिलैक्स। जब ये हमारे 15 आसन हो जाते हैं तो कुछ समय के लिए हम शवासन में लेट जाएं, जिससे जो हमें थकान हुई है ये योगाभ्यास करने से वो धीरे धीरे दूर हो जाए और हमारा संपूर्ण शरीर रिलैक्स हो जाए। शवासन करने के बाद लगभग शवासन को आप 2 मिनट से लेकर 5-10 मिनट करें, पूरे शरीर को ढीला छोड़ दें, हाथों को दोनों साइड में खोल के रखें, हथेलियों को आसमान की ओर, पैरों में लगभग 2 से 2.5 फीट का गैप रखें और आँखों को बंद रखें। धीरे धीरे श्वास प्रश्वास पे ध्यान दें, अपनी आती जाती श्वासों को अनुभव करें और फिर इसके बाद दोनों हाथों को रख करके और आँखों पर रखते हुए आँखों को खोल लें और बाएं करवट को लेते हुए हम सीधे बैठ जाएं। तो ये अभी मैंने आज 15 बहुत ही ज़्यादा इफेक्टेड योगा अभ्यास बताए जो कि मोटापे के लिए रामबाण का कार्य करते हैं। यदि हम प्रत्येक अभ्यास को